परवल का दाम जाके देखिए, साग सब्जी का दाम जाकर के देखिए, तेल मसाला का दाम देकर के देखिए, कहाँ से घर चले, कहाँ से। एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, दूसरे ओर महंगाई बढ़ा रही है। वो विधायक उधर बैठे तो हैं, लेकिन अभी भी आरजेडी के विधायक कहलाएंगे। हिमा भारती जी को भी करना होता, बैठती इधर, इस्तीफा नहीं देती, विधायक होती 25 तक, कौन रोकता। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। पूर्णिया में उपचुनाव होने हैं, पूर्णिया की रुपौली सीट पर उपचुनाव होने हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं और उन्होंने नीतीश कुमार और केंद्र सरकार पर खूब जमकर हमला बोला है। देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं। वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है, शंकर सिंह है निर्दलीय उम्मीदवार, कलाधर मंडल जो कि जेडीयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रचार प्रसार किया है। और बीमा भारती जो कि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए उसमें वो तीसरे स्थान पर रही, लेकिन रुपौली से वो विधायक रही है कई बार। तो आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया। आज अंतिम दिन प्रचार प्रसार के घड़ी में तेजस्वी यादव मुकेश सहनी के साथ पहुंचे, उन्हें प्रचार प्रसार किया है, बातें रखी हैं जनता के सामने। क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैसे बीमा भारती को जुटा लेंगे? पूर्णिया तो पहुंचे हैं उपचुनाव के पहले चुनावी जनसभा में, क्या कह रहे हैं? 10 तारीख को, 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जरा सुनिए। जिस सरकार ने महंगाई और गरीबी बढ़ाने का काम किया और जिस सरकार ने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया और देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा, ये एक संदेश जनता का जाएगा। वैसी सरकार के खिलाफ कि अब बिहार में जनता उसी के साथ है जो बेरोजगारी हटाएगा, जो महंगाई हटाएगा, जो गरीबी हटाएगा, जो कारखाना देगा, जो किसानों का आय दुगुना करेगा, जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाएगा, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाएगा, जो विकास की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा, एक संदेश वो भी है। 20 के चुनाव में हम लगभग सरकार बना लिए थे, लेकिन मात्र केवल 5-7 सीट बेमानी करके हम लोगों को हराया, हम लोगों ने स्वीकार किया और हम लोग विपक्ष में बैठे। हम लोगों की लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ चलती रही और जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री बने, भाजपा को जब हम लोगों ने बिहार से बाहर किया और 17 महीने उप मुख्यमंत्री बने, तो 5,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया पूरे बिहार में। स्वयं सहायता समूह जितनी है उनके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया, दुगुना किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उसी जाति आधारित गणना के हिसाब से 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। किन किन लोगों का बढ़ाया हम लोगों ने आरक्षण उस 17 महीने में? अति पिछड़े समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का, दलित समाज का, इन लोगों का हम लोगों ने जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया। चाहे हमारे आरक्षण के भाई अति पिछड़े हो या पिछड़े हो, उन लोगों का भी आरक्षण जो है बढ़ा। लेकिन जिसका डर था, हम बोल रहे थे बार बार पिछले चुनाव में कि भाई ये सरकार अगर बन जाएगी तो ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते। चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, जो हम लोगों ने 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी उसको भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर के रुकवाने का काम। अब जो भी बहाली निकलेगी, कहीं भी सरकारी कॉलेज में आप जाओगे, पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, आदिवासी या दलित भाई, तो इस आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिलेगा, ना एडमिशन में ना नौकरी में। यही बीजेपी की सरकार है। हम लोग चाहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिन लोगों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया था ताकि नौकरी में आप लोगों को आरक्षित रहेगा सीट,
कॉलेज में आप लोगों का सीट आरक्षित रहेगा ताकि पढ़ लिख लेगा लोग, नौकरी मिल जाएगा लोग, तो अपने पैरों पर बल जीते ये समाज, वंचित समाज खड़ा हो पाएगा, गरीब जो है मुख्य धारा में आएगा। लेकिन भाजपा के लोगों ने समाप्त कर दिया। हम नीतीश जी को कहते रहेंगे, नीतीश जी को हम कहते रहेंगे कि शेड्यूल 9 में डालिए। जब हम लोग कैबिनेट में थे तो हम लोगों ने भारत सरकार में भी लिख के भेजा कि प्रधानमंत्री जी इसको शेड्यूल 9 में डालिए। अब हाल देखिए क्या है भाई, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी के बदौलत, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो नीतीश जी की बदौलत। अब आप बताओ बिहार की जनता, अब आरक्षण को जो हमारा आरक्षण 75% था, अब तो नीतीश जी के हाथ में है, अब तो शेड्यूल 9 में डला दे ताकि हमारा आरक्षण सुरक्षित रहे, है कि नहीं? अब तो नीतीश जी के हाथ में है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला दे। आप बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या देगा? अब तो नीतीश जी भी दोनों जगह सरकार में है, खाली मांग करते हैं कि हमको भी चाहिए विकास, हमको भी विशेष राज का दर्जा चाहिए। आप तो आप ही देने वाले हैं, भारत सरकार में भी आप हैं और बिहार सरकार में भी आपकी एनडीए की सरकार। लेकिन एक बात बता, आप लोग लिख करके ले लीजिए, हम धन्यवाद देते हैं देश की जनता को और आप सब लोगों को कि आप लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट देने का काम किया, गंगा जमुनी को, तहजीब को बचाने के लिए आप लोगों ने वोट किया। और आज भाजपा जो 400 पार करती थी वो 240 पार नहीं कर पाई। आज भारत का विपक्ष यानी हम एनडीए इंडिया के लोग, हम इंडिया के लोग विपक्ष इतने मजबूत है कि अब पानी पिलाने का काम विपक्ष करने का काम करेगी और जनता की आवाज को मजबूत करेगी देश के पार्लियामेंट में। बिहार में तो हम मजबूत है ही है। अभी मुकेश सहनी जी कह रहे थे कि जैसे क्रिकेट में होता है टेस्ट मैच होता है, टेस्ट अभी क्वार्टर फाइनल हम सेमीफाइनल जिता दीजिए, फाइनल में हम लोग चले जाएंगे। हम इनको कहना चाहते हैं, सभी लोगों को कहना चाहते हैं, जिस हिसाब से अभी इंडिया वर्ल्ड कप जीता है ना, अरे इंडिया वर्ल्ड कप जीता तो इस बार बिहार का भी इंडिया जो है बिहार कप जीतेगा। बिहार में अपनी सरकार अगले बार बनाने का काम करेगा, भाजपा को यहां से दूर हम लोग करने का काम करेंगे। अब हो गया और हम बता देते हैं, हमारे चाचा जी का तो गारंटी भाजपा के लोग भी नहीं ले सकते। मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि भाई भाजपा का, मोदी का गारंटी बहुत मजबूत गारंटी है। अरे मोदी जी आप गारंटी ले जा लीजिए चाचा का कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, क्या होगा? ये जो केंद्र की सरकार जो बनी है ये 5 साल चलने वाला नहीं है, ये आप लिख कर ले लीजिए। फिर से हम इंडिया की सरकार बनाएंगे और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य, हमको कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना, हम चाहते हैं कि बिहार में से बेरोजगारी हटे, हर एक नौजवान के हाथ में नौकरी हो, हर एक नौजवान के हाथ में काम हो, उसकी लड़ाई तेजस्वी लड़ने का काम करें। आप बताइए तेजस्वी के हटने के बाद कौन सा नौकरी मिला? कोई गांधी भी तो हम लोग खत्म ही कर देते, लेकिन इस बार पार्लियामेंट में लड़के खत्म कराया जाए। लेकिन बिहार में जब तेजस्वी था तो 3 महीना में नियुक्ति पत्र हाथ में मिल गया था, बेईमानी नहीं हुआ था परीक्षा में, ना पेपर लीक हुआ था। तेजस्वी के हटने के बाद शिक्षक वाला बहाली का पेपर लीक किया, उसके बाद नीट भी पेपर लीक कर गया। तो क्या चक्कर है, पकड़ाया के भाजपा का लोग, जनता दल यूनाइटेड का लोग पढ़ा रहे है कि नहीं? लेकिन अभी बहाली नहीं निकल, हम 5 लाख नौकरी तो दिए
लेकिन 3 लाख नौकरी हम प्रक्रियाधीन भी करके आए। अब देखते हैं कितना जल्दी लोग निकलता। हम तो चाहेंगे कि भाई नीतीश जी जल्दी बाहरी निकाले, जो हम लोग करके आए थे 3 लाख और जल्दी हो जाए, फटाफट हो जाए। लेकिन हम लोग के तो फटाफट फटाफट नौकरी देते थे, है कि नहीं? इस बार जो नौकरी नहीं देगा फटाफट फटाफट उसको कर दीजिए सफाचट। आप बताइए, रुपौली है ना, ग्रामीण इलाका है ये, विधानसभा ग्रामीण इलाका है, सब्जी का दाम कितना है? कोई ऐसा सब्जी बता दे जो 40 रुपया के नीचे का हो? मसाला, तेल, गैस सिलेंडर तो 1200, बताइए महंगा हुआ कि नहीं? यही आलू 5 रुपया 10 रुपया किलो मिलता था, आज जो है 30-35 रुपया किलो मिल रहा है। अब पटना चले जाएगा तो कम से कम 45 रुपया किलो खाली आलू में मिल रहा है। गोभी का दाम देखिए, परवल का दाम जाके देखिए, साग सब्जी का दाम जाकर के देखिए, तेल मसाला का दाम देकर के देखिए, कहां से घर चले, कहां से? एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, दूसरे और महंगाई बढ़ा रही है। तो हम लोगों की लड़ाई आप लोगों के लिए ज्यादा समय नहीं है। आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं, आप लोग मालिक हैं। और आज बीमा भारती जी जो हमारी बहन है बुरे परिस्थिति में, और एक विचारधारा को मजबूत करने के लिए, कम्युनल फोर्सेस को हराने के लिए, सामाजिक न्याय और धर्म निरपेक्षता के लिए लड़ाई लड़ी और त्याग किया। 2-4 विधायक भी मेरा उधर चला गया एनडीए में, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं उनकी इस्तीफा कर दे, लेकिन बीमा भारती जी ने इस्तीफा देकर के हिम्मत दिखाने का काम किया। वो विधायक उधर बैठे तो हैं, लेकिन अभी भी आरजेडीए के विधायक कहलाएंगे। लेकिन बीमा भारती जी को भी करना होता, बैठती इधर इस्तीफा नहीं देती, विधायक होती 25 तक कौन रोका था, लेकिन इन्होंने त्याग किया। एक समाजवादी सरकार बने, आरक्षण के पक्ष में, सेक्युलरिज्म के पक्ष में, न्याय के लिए ये हम लोगों के साथ आई है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है इनका साथ देना, वही हम काम कर रहे हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं कह के आप सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं। लालू जी ने भी कहा है, संदेश भेजा है कि इस बार रुपौली उपचुनाव में बहन बीमा भारती जी को 2 नंबर पर, क्रमांक संख्या लालटेन है, लालटेन पर बटन दबा करके इनको भारी बहुमत से जिताइए। तो जिताइएगा ना, तो विजय का माला भेंट कर दें। दोनों लोग हाथ उठाइए, हाथ उठा के बताइए। चलिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुपौली की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है पूर्णिया पहुंचकर उपचुनाव में जीत हासिल हो इसके लिए उन्होंने बातें रखी। उन्होंने साफ साफ कहा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस सरकार पर, लेकिन ये करारा तमाचा होगा सत्ता पक्ष के मुंह पर। कितनी पुल पुलिये गिर रहे हैं बिहार में, कितनी महंगाई बढ़ रही है, इसका जिक्र उन्होंने किया है। बीमा भारती को जिताने की अपील की है। आपने सुना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।